देखिए हम लोग ने अपना बात के लिए रखा है कि वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स बट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर आवर ग्रेटर तिपरलैंड डिमांड, जो हमारा कोर डिमांड है। पहले हमारे कम्युनिटी को कुछ दीजिए, हमारे तिपरसा को कुछ दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे सरकार में कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा। और अगर हमारा डिमांड नहीं हुआ पूरा तो हमारे पास ऑल ऑप्शन आर ओपन, और ये बात हमने क्लियर रखी है। तिपरसा लोग 70 साल से सफ़र करते आए हैं, हमने उनको एक कमिटमेंट दिया था और बिना वो कमिटमेंट पूरा होके हम गवर्नमेंट में नहीं बैठे। महाराज दूसरा एक सवाल है कि सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने वाले हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ड्राफ्ट को आने दीजिए, कागज़ को आने दीजिए, हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसमें मैं कमेंट करूँगा। जहाँ तक महिला का बात है, अगर महिला को प्रोटेक्शन देना है हिंदुस्तान में तो महिला को प्रोटेक्शन देना चाहिए, जेंडर पैरिटी होना चाहिए, क्राइम अगेंस्ट वुमेन इक्वल लॉस वुमेन होना चाहिए। जहाँ तक रहा कस्टमरी लॉ का, तो हमारे तिपरसा का कस्टमरी लॉ जो है, हमारे जो एसटीज के नॉर्थ ईस्ट में कस्टमरी लॉ है, उसको भी प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए, और वो अद्भुत है, उसका भी देखना चाहिए। तो पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट निकाल के लाने दीजिए, उसी के बाद मैं कमेंट करना चाहूँगा। महाराज और जो मीटिंग में सिर्फ क्या ग्रेटर तिपरलैंड के ही बारे में बात हुआ या इंटरलोकेटर या दूसरा कोई कॉर्पोरेट लैंग्वेज जो था उसके बारे में? हमारा जो डिमांड है, कोर डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्रिएशन ऑफ ग्रेटर तिपरलैंड, उसी के लिए बात हुआ। रोमन स्क्रिप्ट हमारा मुद्दा है, होम मिनिस्टर जानते हैं, तो कॉर्पोरेट हमारा इंटरलॉक्यूटर का जो होम मिनिस्टर ने जो बात किया था, उन्होंने खुद सबके सामने स्वीकार किया कि उस समय मणिपुर में प्रॉब्लम था, इसके लिए हमारा प्रोसेस डिले हुआ है। लेकिन अब मैं उसमें और कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ। हमारा इशू है कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर अ ग्रेटर तिपरलैंड, फॉर अ तिपरसा पीपल, फॉर द इंडिजिनस पीपल, फॉर द सर्वाइवल एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आर कम्युनिटी। उसको छोड़ के मैं कुछ में और कोई सब्जेक्ट में बात नहीं करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट में बैठकर मैं वो गलती नहीं करना चाहता हूँ जो IPFT से हुआ 2018 में, कि अपना लोगों का बात नहीं करके आप बैठ गए, मंत्री बन गए और 5 साल तक कुछ नहीं मिला। मैं वो गलती रिपीट नहीं करना चाहता।